स्वागत है आप सभी का टेक एमटीके में। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक स्मार्ट एलईडी बल्ब की, जो कि मानसा की तरफ से है, एक मानसा कंपनी की तरफ से है। ये स्मार्ट एलईडी वायरलेस ब्लूटूथ मल्टी कलर बल्ब है जिसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इस बल्ब से, जिसमें आपको मिलता है वायरलेस एलईडी बल्ब, ब्लूटूथ अनेबल, मल्टी कलर से कई सारे ऑप्शंस हैं। कुछ इस तरीके से इसका ये पैकिंग में दिखता है आपको, ये स्मार्ट शाइन एलईडी बल्ब मानसा की तरफ से, जिसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे बाय भी कर सकेंगे। और ज़्यादा बातें ना करके चलिए इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये एलईडी बल्ब। तो वाइट कलर का खूबसूरत सा गोल छोटा सा आपको यहाँ पर एक एलईडी बल्ब मिल जाता है, जिसमें स्टील की बॉडी दी गई है नीचे की साइड से, और इसे मैंने पहले से ही फिट करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो मुझे समझाने में। ये छोटा सा इसमें एक होल्डर मिल जाता है जो आपको कनेक्ट करना होता है इसके नीचे से, अगर आपके पास पुराने टाइप वाले बल्ब हैं या जो फॉरेन कंट्रीज़ में बल्ब यूज़ होते हैं उनका होल्डर सेट करने के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। तो स्मार्ट एलईडी बल्ब जो है ये हमारा मानसा का जो है, ये आपको ब्लूटूथ के साथ आता है, यानी कि आपको यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी इसको ऑपरेट करने के लिए। तो अगर बात करें दूसरी चीज़ों की जो बॉक्स में मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिलता है, जैसे कि क्विक स्टार्ट गाइड करके एक हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा हमें जो इसमें मिल जाता है वो है एक थैंक यू कार्ड, उसके अलावा मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क, जैसे कि मैंने बोला क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पर दी गई, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे इसको ऑपरेट करना है, किस तरीके से इसे चलाना है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं कैसे ये वर्क करता है। बल्ब को अगर निकाले इसके प्लेस होल्डर से जो कि नीचे रखा हुआ है, आपको बता दूं कि आप जब इसे बाय करेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, ये एक स्पेशल रिव्यू यूनिट है जिसमें मुझे ये दिया गया, इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्चा करने होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टील की बॉडी इसमें दी गई है यहाँ पर, और ऊपर के साइड में ये बल्ब है जो कि कई कलर्स में जलता है ऑन करने के बाद। नीचे इसमें होल्डर जहाँ पर दिया है उसके जस्ट ऊपर इसका वायरलेस कनेक्टिविटी के सारे जो डिवाइसेस है वो सेट हैं, जिससे ये कनेक्ट होता है वायरलेसली और सारी चीज़ें इसमें प्रॉपरली वर्क करती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इसका ऐप जो है स्मार्ट शाइन नाम का, उसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और अब मैं जैसे ही इस पर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन करते ही कनेक्ट करने के बाद रेड कलर से यहाँ पे एलईडी बल्ब जलने लगा है। इसमें कई सारे ऑप्शंस है ऐप में जो दिए गए, जिन्हें आप देखें तो सीन मोड दिए गए यहाँ पे, कलर है, अलार्म और कई सारे हैं। तो बात करते हैं सीन मोड की, जैसे जैसे आप स्विच करते जाएंगे डिफरेंट मोड पे, उसी तरह की डिफरेंट लाइट्स जलती रहेंगी, चाहे ब्लू या फिर मैं इस पर टैप कर दूँ रिलैक्स पे या फॉरेस्ट ग्रीन या बीच ब्लू, जिस भी तरीके से। आगे बढ़ते कलर्स के, तो यहाँ पर 30 मिलियन प्लस कलर ऑप्शंस कॉम्बिनेशन दिए गए जो ये बल्ब पूरी तरह से सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिस तरह से चाहे अलग अलग कलर्स में इसमें लाइटिंग कर सकते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अलार्म अगर आपको लगाना है कि बल्ब जो है वो शाम को 6 बजे जल जाए और उसके बाद सुबह 6 बजे बंद हो जाए, तो वो सारे फंक्शन इसमें आप सेट कर सकते हैं और सब कुछ प्रायोरिटी के साथ वर्क करता रहेगा, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बल्ब में, और आगे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं दिखाऊंगा इसके सारे फीचर्स जो हैं पूरे एक एक चीज़ बहुत कायदे से डिटेल रिव्यू में। लेकिन वो तब होगा जब मुझे इस वीडियो पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलेगा, वरना इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला। आगे बढ़ते इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि इसमें कई सारे इफेक्ट्स दिए गए, जैसे कि स्लो म्यूज़िक पर अगर हम टैप करते हैं तो म्यूज़िक की तरह धीरे धीरे इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। पुलिस मोड दिया गया जिसमें दो कलर की, यानी कि रेड और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है लाइट का, वो जलेगा पुलिस वाला। इसके अलावा एलियन और फैंटेसी, मैजिक, फायर क्रैकर, रोमांस, कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें जिस पे इसमें टैप करते जाऊँ उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। जैसे कि अगर टैप करते हैं इसमें यहाँ पे फैंटेसी पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ब्लू कलर की लाइट होगी, और जैसा जैसा कलर बल्ब का चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग जो है ऐप का बैकग्राउंड भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइट फेस्टिवल पे जैसे ही फायर क्रैकर पे मैंने लगाया है, यहाँ पे डुब 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 होकर लाइट जलने लगी है। तो कई सारे ऑप्शन से कई तरीके की चीजें इसमें दी गई हैं जो कि काफी अच्छी है और गजब का लगता है देखने में। यहाँ इन सब मोड के अलावा अगर बात करें तो आपको एक नया मोड जो और एक्स्ट्रा दिया गया है वो है माइक का, यानी कि माइक के थ्रू आप म्यूजिक प्ले करेंगे और जो म्यूजिक माइक सुनेगा उसके अकॉर्डिंग बल्ब जो है वर्क करेगा। माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी उसे भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, और जैसे कि मैं देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले कर रखा हुआ और ये उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे और इसके अंदर, कि जैसा जैसा म्यूजिक प्ले होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग इसमें लाइट जलेगी। म्यूजिक में अगर पिच ज़्यादा होगी तो पिच होगा, बैस, वॉल्यूम जो भी ज़्यादा आगे पीछे होगा उसके अकॉर्डिंग ये आप सेट करता रहेगा अपने आप, सेंसिटिविटी के थ्रू बसता रहेगा।
तो ये बहुत अच्छा फीचर दिया गया यहाँ पे इस एलईडी बल्ब में। लेकिन सबसे जो खराब चीज कहें वो यही हो सकती है इस बल्ब के लिए कि आपको इसको फोन के साथ कनेक्टिविटी रखनी होगी, अगर आपके इसके जो सारे फीचर्स उसके मजे लेने के लिए आपको फोन आसपास रखना होगा, लिमिटेड रेंज जो है 10 से 20 मीटर की 30 मीटर के ब्लूटूथ की उसके अंदर ही वर्क कराना होगा। लेकिन ये तब अच्छा रहेगा जब आप पार्टी के लिए इसे यूज कर रहे हो, तो उस वक्त फिर ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है ये एलईडी बल्ब, जो कि काफी अच्छी चीज है। और अंधेरे में अगर आप इसका ज्यादा मजा ले सकेंगे, रात में जब आप रूम की लाइट बंद कर देते हैं उस वक्त जब आप इसको जलाएंगे तो जो खूबसूरती आपको दिखेगी इस बल्ब के थ्रू, वो कह सकते हैं कि स्पीचलेस है, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कितना ज़्यादा खूबसूरत ये बल्ब आपको लगेगा जब आप इसे अंधेरे में जलाएंगे और इसके मज़े लेंगे रात के टाइम पे। तो अगर आपको ये बल्ब पसंद आया हो और ख़रीदने का कुछ मूड बना रहे हैं आप, तो बस नीचे वीडियो के एक लिंक दिया हुआ है उसे टैप करें और ऑफ़र पाएँ 10% ऑफ का, और इस बल्ब को आप ख़रीद सकते हैं जो कि मिल जाएगा आपको तकरीबन 1700 से 1800 रुपए के बीच में। और बाकी सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में दे रखी हैं, आप उसे देख के वहाँ से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आजकल इसी तरीके की बेहतरीन अनबॉक्सिंग वीडियो बराबर मैं ला रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा अनबॉक्सिंग और नए गैजेट्स आपको दिखाने की। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।